नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ ही घंटी बजाना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के कानूनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण कानून के बारे में, और ये कानून है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। इस बिल में क्या खास है और किस पर विपक्ष कर रहा है विरोध, इन सारे तथ्यों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं नागरिकता संशोधन बिल। आखिर ये बिल क्या है, मतलब कैब है क्या? जो बिल संसद में अभी पास हुआ है वह नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता की बात दो जगह पे की जाती है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरा है नागरिकता अधिनियम 1955। तो जो नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें बदलाव किया गया है, और ये बदलाव के बाद जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये जो तीनों ही देश के आसपास रहने वाले लोग थे जिनके साथ उनके धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ और उन्हें ज़बरदस्ती या किसी भी कारण से अपने देश से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, या उनका परसिक्यूशन किया गया, उनको मजबूर किया गया अपने देश को छोड़कर हमारे देश भारत की शरण लेने पर, तो ये जो कम्युनिटी है जिसपे हिंदू, सिख, बौद्धिज्म, जैन, पारसी धर्म के लोग आते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो ये कानून पूरा इस तथ्य के ऊपर निर्भर करता है कि जो भी मैंने आपको धर्म के आधार पर बताए, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म हो सकते हैं, उनको इस बिल पे कंक्लूड किया गया है, उन्हें सम्मिलित किया गया है। अब दूसरी बात हम लोग ये करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा पॉइंट है, कि कैसे भारत की नागरिकता मिलना अब हो जाएगा इस कानून के हिसाब से आसान। तो जहाँ पर हम लोग इस कानून के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस बिल के कानून में तब्दील करने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को जो भी भारत में आए हैं, उन्हें यहाँ नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही उन्हें भारत में कम से कम 6 साल बिताने होंगे, और पहले ये नागरिकता का जो पैमाना था वो 11 साल का था। इसके साथ ही दूसरा यह भी तथ्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा इस बिल में और इस कानून में, कि जो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं, उन्हें इस कानून के अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बिल में किस बात का विरोध हो रहा है, और जो विपक्ष है, जो ऑपोजिशन है, जिसे हम कांग्रेस के नाम से भी हम जान सकते हैं, कह सकते हैं, वो क्यों इसका इतना विरोध कर रही है। इस बिल को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है, और विपक्ष का जो मुख्य विरोध करने का रीज़न है, जो कारण है, वो यह है कि यह धर्म के आधार पर इस बिल को बनाया गया है, जिसमें मुस्लिम को छोड़ करके बाकी अन्य धर्म के जितने भी लोग हैं उन सभी को इस कानून के अंतर्गत लाया गया है। तो ये धर्म के नाम पर लोगों का विभाजन करने की एक रणनीति है। इसके साथ ही चौथी महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी है कि कुछ NDA के लोग जो सरकार बनाने पर NDA का सहयोग कर रहे थे, उनमें से भी कुछ असम के जो अलग सहयोगी दल हैं NDA के, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उनका यह कहना है कि सरकार ने इस विधेयक को, यानी बिल को रखने से पहले उनसे सहमति नहीं ली, सहमति यानी बात भी नहीं की। तो ये सारा भी एक तथ्य है जहां पर NDA में शामिल जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। अब अगर पूर्वोत्तर की हम लोग बात कर लें, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात कर लें, जहां पर मुख्य रूप से असम आ जाता है, वहां पर कुछ समय पहले एक नेशनल रजिस्टर्ड NRC का नाम आपने सुना होगा, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन के नाम से लेकर के एक अलग से कानून बनाया, जहां सारे लोगों को NRC के अंतर्गत लाने की बात कही गई, और उसके तुरंत बाद ये जो कैब ले आया गया, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ले आया गया, ये दोनों ही विरोधास्पद है। मतलब वहां के लोग ये चाहते नहीं कि बाहर के लोग आए, वहां पर आकर के रहना शुरू कर दें, असम में रहना शुरू कर दें, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से असम और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर इसका काफी विरोध हो रहा है। लोकसभा में हुआ था ये बिल पास, लेकिन अटक गया था, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार, यानी जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने लोकसभा और राज्यसभा, संसद भवन में पास करा दिया, बिल अब कानून बन गया है। आखिर क्या कहना है आपका कैब के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप मुझे अपना सुझाव दीजिए कि आखिर इस प्रकार के जो बिल हैं, इस प्रकार का जो कानून है, यदि हमारी सरकार लाती है तो
इससे हमें क्या अच्छे या बुरे दिनों का सामना करना पड़ सकता है, आपका ओपिनियन मुझे चाहिए। निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे बात करना चाहते हैं तो मेरा अपॉइंटमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे आपके पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात कर सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय हमेशा के लिए हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद।